हुए? देखिए खंडारी पे टोरेंट पावर जो कंपनी है उसके ऊपर एक जिम खोली है और फिट सेवन के नाम से, और धोनी साहब जो क्रिकेटर है उनकी फ्रेंचाइजी लेकर, और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा एरिया में है, हॉल में है, और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो जो होने चाहिए एक अच्छे फिटनेस सेंटर में, वह जिम में है, मौजूद है यहाँ पर। और एक बार में मुझे बताया कि 50 से लेके 75 लोग भी अगर एक साथ अगर जिम करेंगे तब भी भीड़ भाड़ कोई नज़र नहीं आएगी। लग भी रहा है, काफ़ी बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल मुझे किसी जिम में आगरा में देखने को नहीं मिला। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, और उन्होंने अनेक प्रकार का कुछ अन्य जो जिम सेंटर है उससे अलग हटके भी इन्होंने कुछ काम किया। तो मैं शहरवासियों से अनुरोध करूँगा जो लोग जिम में जाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर खंडारी टोरेंट पावर के ऊपर आकर यहाँ भी देखें और फिर चयन करें कि उनको कौन से जिम में जाना है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फ्रेंचाइजी है, उस जिम को यहाँ पर शुरुआत की है चर्च रोड पर। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो इस तरीके की जिमों का खुलना बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जिम खोली है उनको, और अपील भी करना चाहूँगा सभी शहरवासियों से कि आए और महेंद्र सिंह धोनी की जिम में आकर अपने स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रखें। और लगातार जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की जिम है, तो महेंद्र सिंह धोनी की बाइट मतलब यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा, जिससे कि जो युवा हैं उनको खेल के भी प्रति और टिप्स देखने को मिलेंगी। ये धोनी की फ्रेंचाइजी है, और अभी हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के मेयर नवीन जैन जी को बुलाया है, बस वो 10 मिनट की दूरी पे हैं अभी। भैया इस तरह देखा गया हिंदुस्तान में मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा है, युवाओं को फुर्सत मिल रही है, और क्या अलग है और जिम के लिए? हम लोगों ने और जिमों से यहाँ पे मेडिटेशन का नया एक वो लाए हैं, और ओपन जुम्मा और वर्कआउट जो वो लाए हैं क्रॉसफिट का, जो आगरा में भी फर्स्ट टाइम हुआ है। कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो और किसी जिम में नहीं? हाँ, जैसे कि क्लाइंबर है जो आगरा में भी पहला है, वो बॉम्बे और दिल्ली में लगा हुआ है, और कुछ 4-5 बड़ी सिटीज में है, छठा यहाँ पे लगा। लोगों से क्या कहना फिर से? लोगों से कहना चाहूँगा जल्द से जल्द जॉइन करें। मैं कंपनी की तरफ से हूँ, फिट सेवन की तरफ से। बेसिकली हम लोग हमारा जिम खोलने का मोटिव यहाँ पे ये है कि फिटनेस कल्चर को बदलना, क्योंकि जिम्स तो बहुत सारे हैं आगरा में, लेकिन जो एक अच्छे कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो फिटनेस कल्चर आगरा में होना चाहिए उस कल्चर को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बात की जाए इक्विपमेंट्स की, जो यहाँ पे और जिम की अपेक्षा यहाँ पे कुछ नए इक्विपमेंट्स देखने को मिले? हाँ, जो इक्विपमेंट्स हैं वो बाकी जिमों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और अगर आप क्लासेस की बात भी करें तो यहाँ पे बहुत सारे जिम्स हैं जो अभी ग्रुप क्लासेस करवा रहे हैं, बट वो इस अच्छे लेवल पे नहीं करवा रहे कि जैसे कि योगा हो गया, जुम्बा हो गया, बॉलीवुड डांस हो गया, भांगड़ा हो गया, तो ये सारे ऑप्शन अभी एक जगह पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कि जैसे लेडीज़ को क्या है कि नॉर्मली ग्रुप क्लासेस के लिए अलग जाना पड़ता है, कुछ डांस क्लासेस के लिए अलग जाना पड़ता है, यंगस्टर को जिम के लिए अलग जाना पड़ता है, तो इट्स अ वन पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ फिटनेस, जहाँ पे उनको एक तरह एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी।